हेलो फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम करता हूँ अमर का यूट्यूब चैनल में। आपके साथ मैं हूँ अमर। दोस्तों, आज का वीडियो में हम एक तुर्किस पीस के ऊपर एक पेंडेंट बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। और ये डिज़ाइन मैंने खुद बनाया है, जितना हो सके बहुत ही कोशिश किया है अच्छा बनाने का, ठीक है। तो चलिए, ये डिज़ाइन मैं आज आपको दिखा देता हूँ बहुत ईजी तरीके में। और आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो से आप सबको बहुत सारा आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों। अगर मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको अच्छा लगे और कुछ सीखने को मिले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं यहाँ से लूँगा एक कार्ब, जो पेंडेंट का जो मेरा माप होगा ना वो 30 mm का होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि 30 mm का एक कार्ब ड्रॉ करूँगा, ठीक है। करने के बाद यहाँ से लूँगा एलिप्स, ठीक है। इसको जीरो एंटर करके एक ओवल शेप का कार्ब बनाऊँगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बनाने के बाद इसको ऐसे ऑफसेट करूँगा 3 mm तक। करने के बाद इस कार्ब को यहाँ से स्केल कर दूँगा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे। और इसको ऐसे मूव कर दूँगा बिल्कुल ऊपर में, ठीक है। और एक चीज़ मुझे देखना पड़ेगा दोस्तों, वो क्या, देखिए ये जो आपको ऊपर का कार्व है ना, और ये नीचे का जो कार्व है, ये कम से कम 2 mm तक इसका चौड़ाई रखना होगा, यानी कि 2.35 है। इसको और थोड़ा सा मैं ऐसे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, ओके। अब ये हो जाने के बाद मेरा जो डिज़ाइन है उसको मैं अनहाइड करता हूँ। करने के बाद अब देखिए, यहाँ पर जो मेरा मार्किस का थका है ना, चलिए इसको यहाँ से सबसे पहले तो मैं ये राउंड शेप ले लेता हूँ, ये 2 mm का एक राउंड लेता हूँ, ठीक है। इसको बिल्कुल ऐसे बिठाता हूँ, ठीक है। बिठाने के बाद यहाँ से मार्किस लूँगा, ये 5 mm का एक मार्किस लूँगा, ठीक है, ये रहा। लेने के बाद इसको ऐसे मूव करके ना बिल्कुल ऐसे लेके जाऊँगा, ओके। यानी कि मेरा 5 mm का ही मार्किस यहाँ पर लगेगा, ओके दोस्तों। तो चलिए, यहाँ से मैं फिर से करूँगा एक बोथ साइड लाइन बिल्कुल ऐसे, ठीक है, और ऐसे, क्योंकि ये मेरा डिज़ाइन का जो सेंटर है ना उसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब हो जाने के बाद यहाँ से एक सर्कल लूँगा और ये 2 point को चालू करूँगा, ठीक है। ये 0 enter करके यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। इस सर्कल को माप लूँगा 9.19 का है, ठीक है, ये चल जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इसको अब 3D बनाना पड़ेगा, ओके। तो 3D बनाने से पहले सबसे पहले तो मैं ये जो मेरा मार्किस और राउंड शेप का जो कॉलेट थका बनेगा ना, चलिए उसको पहले बनाया लिया जाए, ओके। और एक बात दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा मार्किस का थका है ना, तो आई होप ये चीज़ तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा टाइम बचाने के लिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक मार्किस का थका बना के रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको शायद प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैं बिल्कुल यहाँ पर मैं मूव करके लेके आता हूँ, ठीक है दोस्तों। आने के बाद मेरा जो डिज़ाइन है उसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, मेरा जो डिज़ाइन है ना वो कम से कम 2D एकदम रेडी हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अब मुझे करना होगा इसको 3D। तो 3D करने से पहले और एक चीज़ मुझे करना होगा दोस्तों, यहाँ से एक लाइन लूँगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करूँगा। इस कार्व और इस कार्व को यहाँ से कर दूँगा रिवील, ठीक है दोस्तों। करने के बाद इसका पॉइंट ऑन करूँगा, एक कार्व और 2 point, इसको सिलेक्ट करके इसको डूम देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैंने ये चीज़ को बिल्कुल ऐसे मैं इसको डूम देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, आपको समझ में आया ना दोस्तों, ये मेरा डूम हो चुका है कम से कम, ठीक है। और एक चीज़ मुझे देखना पड़ेगा दोस्तों, कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हाइट कितना हुआ है, 4.30, ठीक है। तो ये ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं, इसको मैं और थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे, ओके दोस्तों। अब करने के बाद ये कार्ब, ये तीनों को सिलेक्ट करके पैच करूँगा, ठीक है, पैच। ये हो गया मेरा एक सरफेस, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया ना, ये मेरा एक सरफेस बन चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, इस सरफेस को मैं कर देता हूँ हाइड, ठीक है। करने के बाद इन दोनों कार्ब को अब मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, इसके अंदर जो तुर्किस पीस का जो डिज़ाइन बनेगा ना दोस्तों, चलिए उसको बनाया जाए। तो वो बनाने के लिए इस कार्ब को मैं सिलेक्ट करूँगा और करूँगा हैच, ये रहा हैच, ठीक है।
तो हैच का ये देखिए, इसमें से आपको इतना सारा ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं जैसे कि ये एक स्क्वायर के ऊपर है, ठीक है, और ये है एक नॉर्मल, और मुझे ये चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको दिखा देता हूँ और क्या क्या डिज़ाइन है इसमें। तो इसमें से अगर आप चाहो तो कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं ये लूँगा। लेने के बाद दोस्तों ये जो पैटर्न स्केल आपको दिख रहा है ना, ये अगर मैं यहाँ पर 4 है, ये अगर मैं 3 करता हूँ, तो देखिए इसमें से यहाँ पर थोड़ा ग्रेजुएशन आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो ये देखिए और थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। तो मैं इसको अगर मैं 5 करता हूँ तो उसका प्रोसेस ये आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप चाहो तो ये कुछ भी नंबर दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं ओके कर देता हूँ। देने के बाद ये देखिए मेरा जो तुर्किश पीस का जो डिज़ाइन होगा ना, उसका कार मेरा एकदम रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप चाहो दोस्तों, इसको आप मैनुअली भी मैनुअल करके भी बना सकते हो, ठीक है। यानी कि मैनुअल का मतलब है, मैंने तो आपको दिखाया था, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये जो कार्व है ना, ये जो कार्व है और मेरा जो सरफेस है, उसको मैं अनहाइड करूँगा। और ये कार्व और ये मेरा जो सारा कार्व है ना, सबसे पहले तो मैं ये कार्व को मेरा जो सरफेस है उसके ऊपर मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे आपको समझ में आया दोस्तों? तो ये हो गया मेरा प्रोजेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा नीचे का जो कार्व है ना, इन सारा कार्व को सबसे पहले तो मैं यहाँ से कर दूँगा एक दूसरा कलर में चेंज, ठीक है। करने के बाद इसको ऐसे करूँगा एक्सप्लोर, ठीक है। करने के बाद इसको कर दूँगा ग्रुप, ठीक है। करने के बाद इस सरफेस को सिलेक्ट करके ऐसे और कर दूँगा प्रोजेक्ट, ठीक है। ये देखिए ये मेरा सरफेस के ऊपर एकदम प्रोजेक्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा रेड कलर का जो कार्व है ना, उसको मैं ऐसे हाइड कर दूँगा, ठीक है। ये देखिए मेरा एकदम सरफेस के ऊपर एकदम प्रोजेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब मुझे करना होगा ये जो मेरा कार्व है इसके अंदर जो ये सारा कार्व है, इसको सबको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मेरा ये सरफेस जो है इसको मैं हाइड कर दूँगा, ठीक है। देने के बाद ये जो ऊपर का जो कार्व है, इसको सिलेक्ट करके टॉप व्यू में जाऊँगा, ठीक है। जाने के बाद यहाँ से इसको यूज़ करूँगा ट्रिम, ठीक है दोस्तों। ऐसे ऐसे आपको समझ में आया ना, ये एकदम अंदर का जो कार्व है उन सबको ऐसे डिलीट कर दूँगा, ठीक है। ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हो गया मेरा अंदर का जो सारा कार्व है वो एकदम, ये देखिए वो एकदम क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको समझ में आया ना। और जो मेरा डिज़ाइन है, ये देखिए मेरा डिज़ाइन के हिसाब से ही तो जा रहा है ना एकदम। ये अंदर में मेरा जाली है और उसके अंदर एक राउंड शेप का एक और एक तुर्की पीस मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं फिर से मेरा डिज़ाइन को कर देता हूँ हाइट। करने के बाद दोस्तों अब ये जो सारा कार्व आपको मिला ना, ये सारा कार्व को आपको पाइप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं, चलिए ये जो मार्किस का जो कॉलेट वगैरह होता है उसको मैं 3D बना लेता हूँ, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए दोस्तों मैंने और एक, ये देखिए और एक मैंने थाका बना के रखा है, जिसका हाइट मैंने 3 mm रखा है, ठीक है दोस्तों। इसका हाइट मैंने 3 mm रख के ये बना लिया है, ठीक है। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, चलिए इसको मैं कर दूँगा यहाँ से हाइड। करने के बाद अब ये जो सारा कार्व है ना, चलिए इसको सबसे पहले पाइप बनाया जाए। ओके, तो पाइप बनाने के लिए यहाँ से मैं यूज़ करूँगा पाइप 0.4 का, ठीक है। 0.4 का मैं यहाँ से पाइप बनाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर से 0.4, तो फिर से 0.4, एंटर एंटर और एंटर, ठीक है। तो यही प्रोसेस में दोस्तों ये जो सारा कार्व है ना, इन सबको पाइप बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ इसको भी पाइप बनाना पड़ेगा, इसको और इसको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये सारा कार्व को पाइप बनाने के बाद आपसे फिर से मुलाकात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो ये देखिए दोस्तों, मैंने मेरा जो सारा कार्व था ना, उसको मैंने पाइप कर लिया है, ठीक है। 0.4 का मैंने पाइप बना लिया है, ठीक है।
तो चलिए इसका बिजिल बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो बिजिल बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरा जो ये जो मेरा पॉली सरफेस है ना, इसको मैं हाइट कर देता हूँ। ठीक है, देने के बाद ये रहा मेरा सिर्फ कार्ब। ओके दोस्तों, तो अब मुझे करना होगा टॉप व्यू में जाके ना यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से लेके इसको नीचे में दूंगा 1 mm। ठीक है, अब इस लाइन को पकड़ के मैं पाइप करूँगा फिर से 0.4 का, यानी कि 0.8 का मेरा पाइप बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये एक हो गया मेरा जो सपोर्ट होगा वो। ठीक है, अब मुझे करना होगा ये जो मेरा बाहर का जो कार्व है ना दोस्तों, इसको सबसे पहले मैं अनग्रुप करता हूँ। करने के बाद ये जो बाहर का कार्व है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, इस बाहर का कार्व को ऐसे कॉपी कीजिए नीचे में। ठीक है, 1 mm। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो अभी आपने नीचे में कार्व लेके आए हो, ठीक है, उस कार्व को सिलेक्ट करके ऐसे फिर से पाइप करना होगा। ठीक है, 0.4 तक, 0.8 का ये हो गया मेरा पाइप। ठीक है, अब यहाँ से मूव करके 0.4 तक मैं नीचे में इसको लेके आऊँगा। ठीक है, यानी कि टोटल मेरा यहाँ पर जो आपको गैप दिख रहा है ना, ये मेरा 1 mm का गैप हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा सारा कार्व है, तो उससे पहले मुझे और एक चीज़ करना पड़ेगा। ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है ना, इसको मैं यहाँ से जाऊँगा ट्रांसफॉर्म में, जाने के बाद ये रहा एरे अलोंग कार्व। ठीक है, करने के बाद ये जो बाहर का कार्व है इसको सिलेक्ट कर दूंगा, और देने के बाद नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, इसको मैं कर दूंगा 14। 14 करने के बाद इसको मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए मेरा एकदम सपोर्ट आ चुका है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से जाऊँगा फ्रंट व्यू में, जाने के बाद ये जो मेरा सारा चीज़ है ना, इसको ऐसे पकड़ के कर दूंगा ग्रुप। ठीक है, और इसका कलर थोड़ा सा मैं ऐसे चेंज कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको बहुत ही इजी तरीके में ये चीज़ समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अब हो जाने के बाद ये जो मेरा सारा कार्व है, इसको ऐसे पकड़ के इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप ऐसे। ठीक है, करने के बाद अब जो मेरा पॉली सर्फेस था ना, उसको मैं ऐसे अनहाइड करता हूँ। ठीक है, ये देखिए आपको समझ में आया ना। और एक चीज़ देखिए, ये जो ऊपर में चला गया है ना सपोर्ट, तो इसके लिए और एक प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा ऐसे डाउन कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए ये मेरा एकदम सपोर्ट बन के रेडी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो और एक चीज़ मुझे करना पड़ेगा, वो क्या, देखिए ये जो बाहर का पाइप मैंने बनाया था ना, इसको थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले तो मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, करने के बाद ये बाहर का कार्ब को पकड़ के पाइप करता हूँ 0.4 का। ये हो गया मेरा पाइप। ठीक है दोस्तों, मैंने 0.8 का क्यों दिया, क्योंकि ये जो बिजिल बन रहा है ना, ये थोड़ा सा सपोर्ट भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको बहुत इजी तरीके में शायद समझ में आए। ठीक है, अब मैं फिर से करूँगा, ये जो सारा कार्ब है इसको पकड़ के ऐसे कर दूँगा ग्रुप। ठीक है, ये हो गया ग्रुप, और ये हो गया मेरा नीचे का बिजिल एकदम रेडी। अब मुझे करना होगा ये जो सेंटर का जो जाली जो था ना, यानी कि सेंटर का जो तुर्किस पीस था, वो मुझे बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैंने एक पीस बना के रखा है दोस्तों, ये देखिए, ये नहीं, ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये भी मैंने एक ही आपका जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया ना, वही प्रोसेस में मैंने ये पीस बना के रखा है। ठीक है, अब मुझे करना होगा इसको ऐसे सिलेक्ट करके इसको बिल्कुल ऐसे ऊपर में लेके जाऊंगा। ठीक है, ऐसे, आपको समझ में आया दोस्तों। और फिर से मुझे करना होगा इसका बिजिल, क्योंकि यहाँ पर मेरा जॉइंट बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए इसका भी बिजिल बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको अनग्रुप करूँगा, करने के बाद फिर से अनग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो नीचे का जो पॉली सर्फेस है ना दोस्तों, इसको ऐसे कॉपी कर लीजिए, ऐसे कॉपी करके नीचे में दीजिए 1 mm तक। ओके, ये देखिए ये हो गया मेरा एक सपोर्ट। ठीक है, सॉरी, ये हो गया मेरा नीचे का एक बिजिल। ठीक है दोस्तों, अब मुझे करना होगा फिर से एक ही प्रोसेस, यहाँ पर से यहाँ पर मेरा ये जो पाइप है ना, इसको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको अनग्रुप कर लूँगा, करने के बाद एक को कॉपी करके ना, एक को कॉपी करके साइड में लेके आऊँगा। ठीक है, आने के बाद फिर से मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर से इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है,
करने के बाद इसको ऐसे कर दूंगा ग्रुप, ठीक है? आपको समझ में आया दोस्तों? अब ये जो मेरा सपोर्ट मुझे मिला ना, इसको ऐसे मूव कर लूंगा, ठीक है? ऐसे ऐसे, ठीक है? आपको समझ में आया दोस्तों? ये मेरा सपोर्ट हो गया, इसको और थोड़ा सा ऐसे कर लूंगा, ठीक है? करने के बाद इसको बिल्कुल ऐसे ऊपर में लेके आऊँगा, ठीक है? यानी कि ये जो बिजली का जो गैप है ना, उसके बीच में मुझे लेके आना होगा, ठीक है? ऐसे। अब आने के बाद इसको अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको एरे पोलर करूँगा, यहाँ से ये मैं दूंगा 8, ठीक है? ये देखिए, आपको समझ में आया ना दोस्तों? ये मेरा एकदम सपोर्ट बन के रेडी हो चुका है, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे पकड़ के मैं कर दूँगा ग्रुप, ठीक है? ये हो गया मेरा ग्रुप, ओके? अब मुझे करना होगा ये जो मेरा थाका है ना, यानी कि ये जो मेरा मार्किस का थाका है दोस्तों, इसको इसको फिर से मुझे ऊपर में लेके आना होगा, जैसे कि ये रहा, ठीक है? आपको समझ में आया दोस्तों? ये मैंने यहाँ पर क्यों लेके आया, क्योंकि मेरा जो पेंडेंट का लेवल है ना, वो लेवल यहाँ पर से है, ठीक है? इसलिए मैंने ये जो मेरा थाका है ना, इसको बिल्कुल यहाँ पर लेके आया, ठीक है? आने के बाद दोस्तों अब मुझे क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा रिंग देना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर लेता हूँ, ठीक है? लेने के बाद चलिए इसके इसके ऊपर रिंग बिठाया जाए, ठीक है? तो रिंग बिठाने से पहले मैं कर लूँगा यहाँ से एक कार्ब, ठीक है? करने के बाद एक पॉइंट लूँगा बिल्कुल ऐसे, और यहाँ पर से यहाँ पर से मैं बनाऊँगा टोर्स, ठीक है? ये दूँगा 1 mm का अंदर में, और बाहर दूँगा 0.9 का, ठीक है? ये हो गया मेरा रिंग। अब मुझे इस रिंग को ऐसे मूव करके लेके आना है, ठीक है? एकदम यहाँ तक, ठीक है दोस्तों? ये देखिए मेरा रिंग यहाँ पर आ चुका है ना, इसको ऐसे ग्रुप कर दीजिए, ठीक है? करने के बाद अब मुझे इसको थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो बिजली है ना, उसके बीच में मुझे लाना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसे हो गया। अब हो जाने के बाद दोस्तों मुझे और थोड़ा सा ऐसे इसको ऐसे लेके आना है, ठीक है? आने के बाद इस मार्किस के साथ इसको कर देना है ग्रुप। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा जॉइंट एकदम हो गया, ठीक है? तो मुझे अब क्या करना होगा दोस्तों, ये जो मेरा पीस है, ये जो मेरा तुर्किस का पीस है ना, इसके ऊपर भी मुझे रिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये जो मेरा रिंग है ना, इसको सबसे पहले तो मैं यहाँ से अनग्रुप करके ये रिंग को मैं एक कॉपी साइड में ले लूँगा, ठीक है? बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है? लेने के बाद फिर से मैं इसके साथ कर दूँगा ग्रुप। अब करने के बाद इसको ऐसे हाइड कर दूँगा, ठीक है? ताकि मेरा काम करने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है दोस्तों? तो अब देखिए, ये जो मेरा रिंग है ना दोस्तों, इसको बिल्कुल यहाँ से मूव कीजिए, ठीक है दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है? ताकि ये रिंग और ये पीस दोनों साथ में रहे, ठीक है दोस्तों? अब रखने के बाद दोस्तों क्या करूँगा, ये रिंग और ये जो मेरा तुर्किस पीस है ना, उसको मैं ऐसे कर दूँगा ग्रुप, ठीक है? करने के बाद अब जो मेरा सारा चीज़ है, उसको मैं ऐसे अनहाइट करता हूँ, ठीक है? ये देखिए मेरा एकदम पेंडेंट बन के रेडी हो चुका है, ठीक है? ये देखिए, ठीक है? अब मुझे क्या करना होगा, इसको ना थोड़ा सा ऐसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है? और थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, इसको अनग्रुप कीजिए, ठीक है? करने के बाद इस पीस को ऐसे पकड़ के ना ऐसे कर दीजिए, ठीक है दोस्तों? आपको समझ में आया दोस्तों ये चीज़, ठीक है? ये मेरा जॉइंट हो गया है यहाँ पर, ओके? जिसके जिस रिंग के ऊपर मेरा जो और थोड़ा सा अंदर, बस, ठीक है? ये देखिए, ये हो गया मेरा एकदम पीस रेडी, ओके? तो आई होप ये चीज़ आपको बहुत इजी तरीके में शायद मैं समझा सका, ठीक है? ये देखिए मेरा एकदम पेंडेंट बन के रेडी हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ से दोस्तों ये जो मार्किस दिख रहा है ना, यहाँ से मेरा चेन जाएगा, यहाँ से, ठीक है? यहाँ से मेरा चेन जाएगा। तो आई होप ये चीज़ मैं आपको जितना हो सका बहुत इजी तरीके में शायद समझा सका,
ठीक है दोस्तों। और चलिए आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, और अगर ये वीडियो देखने के बाद आप सबको अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और आपका दिन शुभ रहे।